मरुधरा के दौरों में उठ रहे सियासी थपेड़ों के बीच एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यधारा में सक्रिय होती नजर आ रही है। भाजपा में चल रहे सियासी खींचतान के बीच वसुंधरा राजे ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया है, जिसे लेकर अब एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली पहुंचे और आला नेताओं के साथ बैठक की। दरअसल जयपुर ग्रेटर नगर निगम घूसकांड मामले में संघ प्रचारक निम्बाराम का नाम सामने आने के बाद से ही भाजपा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। भाजपा ने इसे लेकर काउंटर स्ट्रेटेजी भी तैयार कर ली है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसी सिलसिले में बुधवार को दिल्ली पहुंचे। पूनिया ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई नेताओं से चर्चा की। और इसी बीच वसुंधरा राजे का सामने आया एक ट्वीट अब चर्चा का विषय बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अपनी विफलताओं को छुपाने और जनहित के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। गहलोत सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। गहलोत का सिर्फ एक ही एजेंडा है, भाजपा और संघ को बदनाम करना। लंबे वक्त बाद ऐसा मौका आया है जब वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लेकर हमला बोला। माना जा रहा है कि इसके जरिए राजे ने उस छवि पर वार किया जो पिछले कुछ वक्त में विरोधियों द्वारा बनाई गई। दबी जुबान से भाजपा के ही कुछ नेता वसुंधरा राजे पर अशोक गहलोत को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। लिहाजा ऐसे में राजे ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। वहीं इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा और संघ को जमकर आड़े हाथ लिया और अपनी ही सरकार से मांग करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके इनके कुकृत्य से पर्दा हटाएं। मेरा यह सवाल है कि आरएसएस के उस प्रमुख व्यक्ति जिसका वीडियो में भ्रष्टाचार की डील करने का प्रमाण और उसकी मौजूदगी उस वीडियो में साबित हो रही है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए, ये पर्दा उठाया जाए। जो पर्दे के पीछे अपने आप को सामने तो कहते हैं, हम ईमानदार हैं, बहुत सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में सियासी सेंधमारी की आशंका जताई है। राठौड़ ने कहा कि आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। इसी बहाने कांग्रेस सरकार अपनी खामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस लड़ाई में उतरकर कांग्रेस के मंसूबों का करारा जवाब देगा। गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कचरा उठाने वाली बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ कमीशन को लेकर बातचीत के एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति समेत दो लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनमें संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी निम्बाराम भी हैं। लिहाजा भाजपा के साथ साथ अब सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।